काफी दिनों के बाद मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ब्रह्मचर्य की कहानी को लेकर आया हूँ। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी होने वाली है सुखदेव जी के ऊपर, जो एक ब्रह्मचारी थे जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा का अमृत पान कराकर मृत्यु के भय को दूर कर राजा परीक्षित को प्रभु के धाम पहुँचाया था। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के बारे में लिखा है कि बाल्यावस्था में ही उन्हें वैराग्य हो गया था, इसीलिए वो एक दिन अपने पिता के आश्रम से निकलकर वन की ओर चल पड़े, पर उनके पिताजी ने उन्हें आश्रम से वन की ओर जाते देख लिया, इसीलिए वो भी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे चल दिए। मार्ग में गंगा जी पड़ती थी। गंगा में अनेका अनेक स्त्रियां वस्त्र उतार कर नहा रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को उधर से गुजरते देखा तो भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और ना ही उनसे कोई पर्दा किया। लेकिन जब सुखदेव जी के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास जी वहां पर पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गईं। तब सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने उन कन्याओं से पूछा कि जब मेरा जवान पुत्र इधर से गुजरा तो तुम्हें लज्जा नहीं आई और मैं बुढ़ा इधर से जा रहा हूँ तो तुम वस्त्र पहन रही हो। तब उन कन्याओं ने कहा, स्वामी जी, आपका पुत्र सुखदेव विवाह है तो क्या हुआ, उन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम किस काम में लाई जाती हैं, पर आपको तो सब पता है, और जिसे कुछ पता ही नहीं उसके सामने लज्जा करने से होगा क्या, लज्जा तो उनके सामने आती है जिन्हें सब पता है। सुखदेव जी भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। भागवत की इस कथा को लेकर भक्त लोग कहते हैं, देखो यह भारत भूमि की ही विशेषता है कि यहाँ ऐसे भी महान संत हुए, परंतु ऐसा कहते हुए भी सुखदेव के जीवन से प्रेरणा लेकर पवित्र बनने वाले कितने लोग हैं। पर आजकल के नवयुवक तो अपने मन को पवित्र करने की बजाय उसे अपवित्र कर लेते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और वीर नाश की लत में पड़कर अपने शरीर का नाश कर लेते हैं। फिर ऐसे लोग थोड़ा सा भी कठिन काम करने के लायक नहीं रह जाते। पर जो ब्रह्मचर्य को अपनाता है वो कठिन से कठिन काम को हंसते हंसते बड़ी आसानी से कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर योद्धा समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशालकाय समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी बानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी बानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋषिराज जामवंत ने कहा कि वे 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन छलांग लगाकर समुद्र तो पार कर लूंगा, पर लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने युद्ध में शक्ति मारकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तब भी उन वीर योद्धाओं में इकलौते हनुमान जी में ही वो सामर्थ्य था जो रातों रात संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकते थे। जब मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नाग पाश में बांध दिया था तो हनुमान जी ही करुण को लेकर आए थे और भगवान राम और लक्ष्मण के बंधन काटे थे, इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की ये महिमा ब्रह्मचर्य की वजह से ही है। इसीलिए मैं आप सब नवयुवकों से कहता हूँ कि मन को नियंत्रित करके काम वासना के जाल से बाहर आ जाओ, नहीं तो जीवन भर दुखी रहोगे। जिस प्रकार नाव में एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है, उसी प्रकार जीवन में की हुई गलती वीरनाश पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। संत गरीबदास जी ने काम विकार के बारे में कहा है, कमल फूल मन भंबर है, कांटा कर्म कुसंग, 5 विषय सुबंध रहा कैसे लागे रंग। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि यदि कोई कमल आसन लगाता रहे परंतु उसका मन भौरे की तरह इधर उधर उड़ान भर रहा हो तथा कुसंग में पड़कर खोटे कर्म कर रहा हो और विषयों ने मन में डेरा डाल रखा हो, तो उस व्यक्ति पर कभी भी भक्ति का रंग अथवा प्रभु का रंग नहीं चढ़ सकेगा। बैराग नाम है त्याग का, 5 25 संग ऊपर की कैचल तजी अंतर विषय भुजंग,
उन्होंने तो सन्यासियों और वैराग्यों के बारे में भी कहा है कि यदि किसी संत ने 5 विकारों को नहीं त्यागा, परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि केवल शारीरिक वेश ही बदल लिया है, तब तो मानो सन्यासी जी ने केवल एक सांप की तरह ही व्यवहार किया है, जो कैंचुली तो उतार देता है परंतु विषैला पहले की तरह ही बना रहता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करें @ज्ञानज्योति और मुझसे जुड़ जाएं। यहां पर आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित डेली कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा।